Hello, Assalamu Alaikum. Welcome everyone, Horror Night Show with RJ Vortex here. And मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो kindly main पर 1 press कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको clear आवाज़ आ रही है. Thank you so much for everyone who's pressing the one, and a special thanks to Queen for taking me on the call and doing a wonderful show here tonight for you guys, as well as a special thanks again to Pride ko bhi hum yahan par thanks kehte hain because unhone bhi hame story submit ki hai. इसके साथ जो है प्राइड को हम थैंक्स कहेंगे बिकॉज उन्होंने जो है वो आज हमें एक स्टोरी सबमिट की और शो स्टार्ट होने से पहले, और हमें इससे पहले ही अपने हफ्ते वाले दिन प्रीवियस जो सैटरडे था उसमें मुझे अपनी स्टोरीज तो सुनानी ही थी, साथ में प्राइड की स्टोरी भी शेयर करनी थी जो कि वो आज लिख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे शो में आके अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, थैंक्स टू एवरी पर्सन हु प्रेसिंग द वन ऑन द मेन. एंड हमारे साथ यहाँ पर एज अ एडमिन शेरनी, किंग, निहारिका, क्वीन, आहाना मौजूद हैं. इसके साथ साथ मेन चैट पर आलिया हैं, सादा पानी हैं, डेविलिशियस हैं, एस ने हमें ज्वाइन किया है, हूर हैं, बनी हैं, अनाबिया ने हमें ज्वाइन किया है, गैस जीरो हमारे साथ मौजूद हैं, केयर फॉर यू हैं, शुनैरा हैं, एंजलाइज हैं, एनिग्मा हैं, कैप्टन अमेरिका हैं, फायर हैं, ओल्ड बॉय हैं, जिगर मौजूद हैं यहाँ पे. नेमल ने भी ज्वाइन किया. नाइमल को भी हम थैंक्स कहेंगे, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी वन प्रेस किया था यहाँ पे. बनी हमारे साथ हैं, बनी को वेलकम करते हैं. उमर ऑफलाइन हमारे साथ हैं, इनको भी वेलकम करते हैं. उन गैस जीरो हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं. इविलिशियस, उनको भी वेलकम करते हैं जो डेविलिशियस के साथ यहाँ मौजूद हैं. और इविलिशियस और डेविलिशियस दोनों जो हैं वो इस वक्त शो में हमारे साथ हैं. I'm glad to, my goosebumps are up right now because of you guys are listening me and उस शो को संभालना, उसको पढ़ना और आपके सामने रिप्रेजेंट करना और आपको डरा कर जो है वो एंटरटेन करना, एक यू नो इट्स अ वेरी, मतलब भूतों से भी ज़्यादा डरने वाली जो है ना वो ये स्टोरी है. और हम यहाँ मौजूद हैं और रियलिस्टिक स्टोरीज के साथ मौजूद हैं, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ मौजूद हैं. जो लोग हमें अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, अब हमने रास्ते में लोगों से चलकर पूछना भी शुरू कर दिया कि अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें बताएं ताकि हम लोगों को बता सकें. तो एक बच्चा मुझे मिला 17-18 साल का. अब ये स्टोरी मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगा बिकॉज अभी वो पूरी स्टोरी मेरे पास नहीं आई. और उसने यही बताया कि रात का अंधेरा था और आई थिंक सब्जी मंडी का इलाका था, कराची ही की बात हो रही है जहाँ पर अनडेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत कम हैं. और वहाँ पर जो है उसको एक आदमी जो है वो जाता हुआ दिखा. रात का कोई 11-12 बज रहा होगा एंड ही विद हिज बाइक, अपने बाइक के साथ था. और जब उसने आकर उसके आगे रोका कि मैं देखूँ, तो वो जो आदमी जा रहा था वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था और किसी को बुरा भला कहता हुआ जा रहा था. उसने सोचा मैं इसको देखूं कि ये क्यों किसी को बुरा भला कह रहा है. तो उसने बाइक उसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके रोकी और बिफोर वो वहाँ से उतरता और उसको देखता या उससे बात करता, उसने देखा सडनली वो आदमी जो है वो चलते हुए गायब हो गया कहीं झाड़ियों में इधर उधर. इतना टाइम नहीं था कि वो गायब हो पाता, लेकिन उसने बड़ी गौर से देखा और मगर उसको कोई नज़र नहीं आया वहाँ पे. अब वो क्या था, वो किसी की बदरू थी, बैड सैड कोई गोस्ट था, रात में चला जा रहा था और अपने आप में गुनगुना रहा था, उसको इतना होश नहीं था कि किसी बाइक वाले ने रोक के जो है वो मुझे अप्रोच करेगा. एंड बनी सिंह कराची ही मिला था आज, कराची में ही था ये सीन, तो मैं कराची का ही बताऊंगा बनी. एंड कैप्टन अमेरिका सिंह, नेमल पे भी किसी जिन का साया है. अच्छा जी, वैसे वाकई एक दो रिलेटिव हैं मेरे जिनके ऊपर कुछ था ऐसा, जो कि अभी रिसेंटली उसको उतारा गया है बिकॉज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. कोई जिन था, आई डोंट नो, कोई बुरा साया था और उसको दूर किया. नाउ दे आर रियली फाइन, थैंक यू सो मच
टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर ब्लेस्ड अस। ये तो कुछ रियलिस्टिक चीज़ें थी जो मेरी फैमिलीज़ के साथ भी पेश आई हैं। तो एक्सपीरियंस के ऊपर बात होती है, हम वही बात करते हैं जो है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हेयर फॉर अ पैप टॉक। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन गोइंग फॉर द स्टोरीज। ब्राइड अपनी स्टोरी ऑलरेडी लिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपकी स्टोरी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी एंड यू विल लिसनिंग टू इट बाय गोइंग टू माई चैनल YouTube/GrimMonkey GRIMONKEY। आप ये लिखेंगे ऊपर एड्रेस बार में तो यू कैन फाइंड आउट माई चैनल ओवर देयर एंड वी आई कैन अपलोड दिस शो एज वेल बाय टुमारो, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। राइट नाउ हम एक स्टोरी की तरफ यहाँ से चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए, इन्जॉय कीजिए इस अपकमिंग स्टोरी को, अपने दिलों को थाम के बैठिए, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लें। किसी को अगर डर लग रहा है शो को सुनते हुए तो वो लाइट अपनी ऑन कर सकता है। ये बात है जब मैं 5 साल का था, उस वक्त मैं अपने नाना नानी के घर बहुत जाता था। वो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जो कि शहर के बीच में था। वो काफी महफूज इलाका था क्योंकि पास में बहुत सी दुकानें थीं और रोड के पास था, तो ये समझ लें वहां हर वक्त काफी रौनक रहती थी। मैं तकरीबन हर वीकेंड वहां जाता था, कभी खाना खाने या फिर ऐसे ही घूमने के लिए। मेरा बड़ा भाई जो कि तकरीबन मुझसे 5 साल बड़ा है, वो भी मेरे साथ जाता था। हम दोनों भाई कभी छुपन छुपाई भी खेलते थे। जहां फ्लैट था उसके पास नीचे ग्राउंड भी था। फ्लैट की डिजाइन थोड़ी अजीब सी थी, जो किचन की खिड़कियां थी वो बाहर सीढ़ियों की तरफ खुलती थी, यानी जो भी बाहर सीढ़ियों पर होगा वो अंदर किचन में आराम से देख सकता था। कोई खतरे की बात नहीं थी क्योंकि खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई थी, मगर डिजाइन कुछ अजीब सा था, शायद पुराना था। खैर एक दिन हम नीचे थे और जो गाड़ियां खड़ी थीं उनको देख रहे थे। जब मैं और मेरा भाई वापस जाने लगे तो किसी ने हमें आवाज दी। हमने देखा वहां एक बुढ़िया औरत थी जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। वो एक आम सी भूरी सी औरत थी जो कि दिखने में आम सी थी और उसकी शक्ल पर काफी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। उसने हमें खिड़की से बुलाया और वो कुछ खाना पका रही थी। उसने हमें खाने की चीज दी जो मैंने और मेरे भाई ने फौरन ले ली। ये तकरीबन हर वीकेंड होने लगा। हम उसकी खिड़की पर दस्तक देते, वो हमें खाना देती और हम थोड़ी देर बाद वहां रुक कर उनसे बात करके चले जाते। हमारी जो भी बात होती थी या जब भी होती थी, वो औरत मिलती थी तो खिड़की से ही होती थी। वो काफी उम्रदार औरत थी और उसके चेहरे पर काफी दाग थे। जब भी मैंने उसको देखा वो हर वक्त किचन में कुछ ना कुछ बना रही होती थी। हमारी बस थोड़ी सी बात होती थी, कभी कोई उस औरत से लंबी बात नहीं हुई। मैंने अब्बू को बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर एक औरत है और वो हमें मजे की खाने की चीजें देती रहती हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता, बहुत पहले वहां एक डेंटिस्ट का ऑफिस था जो बहुत साल पहले बंद हो गया था। क्योंकि उस वक्त मैं 5 साल का था, मैंने सोचा मेरे अब्बू को कुछ नहीं पता और उनकी बात को इग्नोर कर दिया।
मुझे पक्का यकीन था वहां एक बूढ़िया औरत रहती थी। मैं और मेरा भाई उस औरत से फिर भी मिलते रहे और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक बार मैंने उसके किचन को गौर से देखा। खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी, मगर अंदर का घर नजर आ रहा था, लिविंग रूम तक। मैंने देखा किचन के अलावा कहीं की लाइट नहीं जल रही थी। पूरे घर में अंधेरा था सिवाय किचन के। मैंने सोचा कम से कम लिविंग रूम की लाइट तो ऑन होना चाहिए थी, ताकि घर का बाकी कमरों में वो भी जा सके। एक 5 साल के बच्चे के दिमाग में मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। मतलब कोई अंधेरे में कौन रहना चाहेगा? सिर्फ ये कि किचन की लाइट ऑन हो, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी और थोड़ी खौफनाक भी। मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया और कहा उस औरत से मिलने के लिए कि बस सीढ़ियों से हेलो ही कर दें। मैं उनको वहां लेकर गया और वाकई वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की को बहुत दस्तक दी, मगर कोई नहीं आया। मेरे अब्बू ने कहा बस करो, और हम वहां से चले गए। किचन की लाइट ऑन थी और उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो घर कितना वीरान था। मैं अगले वीकेंड आया और उसी खिड़की पर दस्तक दी, मगर कोई ना आया। इस बार मैं दरवाजे पर गया और बैल बजाई। मैंने देखा घर में बिल्कुल अंधेरा था, जैसे अमूमन होता है कि दरवाजे के नीचे से लाइट आ रही होती है, क्योंकि इस टाइम पर लोग टीवी देख रहे होते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं। मैंने फिर बैल बजाई और इस बार अपना कान दरवाजे से लगा दिया कि शायद कोई आवाज सुनाई दे। और मुझे इस बार अंदर से किसी के चिल्लाने और चलने की आवाज आई। चलते चलते उसकी आवाज तेज हो गई और एक बार ऐसा लगा कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो, और वो भी मुझे ऐसे ही सुन रहा हो जैसे मैं उसे सुन रहा था। मगर उसके बाद एक ऐसी खौफनाक और दिल हिला देने वाली खामोशी हो गई जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मतलब ये मैं इंतजार करता रहा, मगर वहां कोई ना आया। मगर मैंने साफ वो पैरों की आवाज और हल्की सी चीखों की आवाज सुन ली थी, जैसे कि वो औरत दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी हो और मुझे देख रही हो। इस बार मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और इस वक्त मुझे बहुत घबराहट फील हो रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं वहां से भाग गया और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मैं डर गया था, मगर इसलिए कि मुझ पर एक वहशत तारी हो गई थी। मैं घर गया और टीवी देखने लगा, बल्कि उस रात मैं टीवी ही देखता रहा ताकि मेरे जहन में उस औरत की तरफ से कोई बात ना आए और उसके बारे में मैं ज्यादा ना सोचूं। उसके बाद मैं कभी उस खिड़की के पास नहीं गया। मैं कभी दूर से उस खिड़की को देखता तो याद आता कि यहां पर एक औरत रहती थी जो हमें खाना दिया करती थी, मगर वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। जब भी मैं उस खिड़की को देखता, मुझ पर एक खौफ सा तारी हो जाता था और अम्मी अब्बू की बात भी याद आती थी, और वो खौफ बहुत देर तक मेरे साथ रहता था जब तक वहां से हट नहीं जाता था। मुझे नहीं पता वो औरत असली थी कि नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो असली थी और हमें खाने की चीज़ें देती थी, और मेरा भाई भी मेरे साथ होता था और उसने भी ये सब देखा था और खाना खाता था जो वो औरत देती थी। मेरे भाई को तो मुझसे ज़्यादा अच्छा याद होना चाहिए, वो तो 5 साल बड़ा है मुझसे। जब भी मैंने
उससे ये बात करना चाही तो वो बात को घुमा देता था, या फिर कहता था मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शायद उसको याद ना हो या याद करना ही ना चाहता हो, या जैसा खौफ मुझ पर तारी हुआ था शायद उस पर भी हुआ हो। तो ये मेरे बचपन में मेरे साथ हुआ था, और आज जब 15 साल बाद याद करता हूँ तो अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये सब हुआ ही ना हो, मगर मेरा भाई मेरे साथ था। मैं कैसे मान लूँ कि ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा महसूस होता है कि ये एक ख्वाब हो जो कि हकीकत में तब्दील हो गया हो, और हकीकत कभी बदली नहीं जा सकती। वेलकम करते हैं एक बार से हॉरर नाइट विद आरजे वोर्टेक्स ऑन allfromasties.com, एंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, बिकॉज हमने ये शो दोबारा से इसको पढ़ा। एंड थैंक्स टू प्राइड फॉर राइटिंग द स्टोरी फॉर अस, रियल एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज साइड। एंड ईशा खान को वेलकम करना चाहूँगा यहाँ पे। इन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, यमुना ने ज्वाइन किया, यमुना को वेलकम करेंगे। इज्जू ने ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करना चाहूंगा। प्राइड ने अपनी ऑलरेडी स्टोरी लिख दी है, और प्राइड की स्टोरी हम यहाँ पढ़ लेते हैं बिकॉज हमने एक स्टोरी अपनी ऑलरेडी पढ़ ली है। थैंक यू सो मच प्राइड फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। काफी लंबी स्टोरी इन्होंने लिखी है। एनीवेज लेट्स गो फॉर विद दिस स्टोरी। और आप सबके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैसेजेस कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फेसबुक का है facebook.com/rjvortexa4m। इसके बाद यूट्यूब है youtube.com/grimmonkey grimmonkey। इसके साथ प्राइड हमसे कहते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी स्टोरी जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। गुड्डू कह रहे हैं मेरी स्टोरी भी शामिल करो। माय हॉरर स्टोरी इज, बारिश हो रही थी मुझे लग रही थी ठंड, बारिश हो रही थी मुझे लग रही थी ठंड। और आगे जो है वो इनकी स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच। तो प्राइड की स्टोरी कुछ इस तरह से है जो हम पढ़ने जा रहे थे। मैं छोटा सा था, लाइक 4 या 5 क्लास में। हम अपने कज़न की शादी में गए थे, वहाँ पास ही एक पार्क था और उसके साथ कब्रिस्तान मौजूद था। रात का वक्त था, हम सब कजन्स पार्क में खेल रहे थे, तो जिस कजन का वहां घर था वो हमें रोक रहा था कि यहां से आवाजें आती हैं, आओ वापस चलते हैं। हम सब मजाक समझे और बोला कि तुम डरपोक हो और हमें भी डरा रहे हो। कुछ देर के बाद वहां से वाकई आवाज आना स्टार्ट हो गई, किसी लड़की की अजीब सी, और वो रो रही थी। सब वहां से कजन्स जो थे वो भाग निकले, और मैं जैसे शॉक्ड हो गया, और मुझे कुछ देर ऐसा लगा जैसे मैं सकते में आ गया और मुझसे हिला नहीं जा रहा था। और जब मैं अकेला रह गया
तो मुझे कोई लड़की की सूरत नज़र आई लॉन्ग हेयर्स के साथ। उसको देखकर फिर मैं वहाँ से भागा। वो मुसलसल कह रही थी, ना जाओ, मैं रानो हूँ। मुझे तब से ऐसा लगा था कि कोई मेरे आसपास होता है कभी। कुछ अरसा गुजरा, मैं ये बात भूलने लगा। तब हमारे घर एक काम करने वाली लड़की थी, वो कुछ दिन बाद छुट्टी कर लेती थी। उसकी अम्मी कहती थी कि ये बीमार है। मैं अपने ड्राइंग रूम में पढ़ता था डेली, तो एक दिन मैं वेट कर रहा था कि ड्राइंग रूम की सफाई हो जाए तो मैं पढ़ने जाऊं। झाड़ू की आवाज़ आते आते रुक गई। मैंने सोचा कि जाके देखूं ये क्या कर रही है, तो वो जैसे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं उसके पास गया, उसने जवाब ना दिया। मैं अम्मी को बुला कर लाया कि अम्मी इसको देखो क्या हुआ है, ये बेहोश पड़ी है। अम्मी ने जब उसे हिलाया तो उसने वैसी ही आवाज़ निकाली जैसे मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर आ गई और डोर क्लोज कर दिया। देन अम्मी ने मुझे उसकी अम्मी को बुलाने भेजा। जब वो आई तो उसकी अम्मी ने डोर ओपन किया, विंडोज ओपन की और उसे बुला रही थी। रानो उठ जाओ, रानो मैं आ गई हूँ। मैं वही आवाज़ सुनकर, वही रानो सुनकर पूरा किस्सा याद करने लगा और लग गया जैसे वही आज भी मेरे सामने आ जाती हो, वो लड़की जो मुझे पार्क में नज़र आई थी। मैं फिर शाम को पढ़ने के लिए जाने लगा तो अम्मी ने रोका, ना जाओ, अभी डोर क्लोज रहने दो। यानी वो डाइंग रूम में दोबारा पढ़ने के लिए जा रहा था। मैं बोला, कुछ नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती हैं। जब मैं इंटर हुआ तो मेरे नाम की स्कूल प्राइज शील्ड थी, तो वो दोनों नीचे गिरी हुई थी और मैंने अम्मी को बताया ये। अम्मी ने किसी बुजुर्ग से आयतें पढ़वा कर वहाँ पानी छिड़कवा कर दीवारों पर, और कुछ दिन तक उस ड्राइंग रूम को हमने यूज़ नहीं किया। बस मैं हिम्मत करके एक वीक बाद फिर मुझे यही फील होना शुरू हुआ कि कोई मेरे रूम में चीज़ें हिलाता है या वो खुद ब खुद हिलती हैं। कुछ अरसे ऐसा ही हुआ। अम्मी ने उस सोफे वाली को सॉरी उस सफाई वाली को दोबारा नहीं रखा अपने घर में। देन हमारे घर में छत पे कब्रिस्तान की मिट्टी आना स्टार्ट हो गई, एक मखसूस जगह पे थोड़ी सी। मैं जाकर फेंकता, वो अगले दिन फिर आ जाती उसी जगह जहाँ नीचे उसके मेरा रूम था। यानी छत पर जहाँ वो मिट्टी पड़ी होती थी उसके नीचे मेरा रूम होता था। हमने वो मिट्टी किसी को दिखाई, उसने कहा ये कब्रिस्तान की है और ये आपके बेटे के रूम में आती है तो निशानी छोड़ जाती है। यानी वो लड़की उस ब्राइड के रूम में आ रही थी और उसके बाद वो अपनी जो है वहाँ निशानी छोड़ के जा रही थी कि मैं आई हूँ, और मुझे भी यही लगता था। उन्होंने मुझ पे दम किया और वो मिट्टी वगैरह रुक गई। उसके कुछ दिन बाद ही मेरी एक फ्रेंड बनी, काफ़ी साल से हम साथ ही होते थे, कभी कुछ नहीं देखा ना सुना कि उस पे कोई चीज़ है, वरना हम इतने क्लोज थे कि हर बात शेयर करते थे। कुछ अरसे बाद मैंने अपनी यही बात उस फ्रेंड के साथ शेयर की तो वो डर रही थी। मैंने फिर ज़्यादा नहीं सुनाई उसको। एक शाम हम कॉल पर बात कर रहे थे तो बात करते करते वो चुप हो गई। मैं उसका नाम पुकारे जाऊं और वो जवाब ना दे। कुछ मिनट गुजरने के बाद वो उसी तरह रोने लग गई, उसकी आवाज़ बिल्कुल सेम हो गई और वो रोने लगी। उसकी अम्मी आ गई, सिस्टर आ गई, वो कहने लगी मेरी रानो रुक जाओ, मैं रानो हूँ रुक जाओ। वो काफ़ी रोई, मैं कॉल पे सब सुनता रहा।
उसकी अम्मी सिस्टर उसे संभालने काफ़ी देर हो गई। यही सिलसिला चलता रहा। फिर मैं सजदे में चला गया और आयतें पढ़ने लगा, काफ़ी सारी। फिर उसकी अम्मी ने कॉल बंद कर दी। फिर बाद में उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मुझ में आ गई थी, पता नहीं कैसे। उसकी अब शादी हो चुकी है फ्रेंड की, और उस रानो की मौजूदगी कभी कभी महसूस होती है। मुझे किसी ने फिर बताया था कि ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती, बस अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। मैं अब कभी भी अकेला हो के हूँ, अगर किसी जगह पर अकेला, तो कोई और सरसराहट और बहुत हल्की सी आवाज़ आती और कुछ रुक जाती, ऐसा मुझे फील होता, बट मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये बचपन से आज तक नहीं भूला, और वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से मुझे ये महसूस करवाती है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। बट मैंने अनदेखा और अनसुना कर देता हूँ जब भी मुझे ये फीलिंग होना स्टार्ट होती है या मुझे चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, और ये सब रियल है, नॉट फेक। थैंक यू सो मच प्राइड फॉर शेयरिंग अस विद योर स्टोरी हियर। और मैं क्या कहूँ, बस मैं मानता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा और आपने हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर किया जो कि आपके साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। और कोई माने ना माने, मानता तो वही है जिसके ऊपर वो चीज़ गुजरी होती है या जिसको वो चीज़ें नज़र आई होती हैं, वरना हम सुनी सुनाई बातों पर शायद लोग अमल नहीं करते या वो जब तक नहीं मानते जब तक वो खुद ना देख लें। वेल, मैं आरजे वोटेक्स यहाँ शो कर रहा हूँ इस वक्त, और अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं है तो आई एम द होस्ट फ्रॉम कराची। यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय इनबॉक्स और ज्वाइनिंग मी बाय पेज। अगर आपने इन चीज़ों पर बिलीव नहीं किया या आपको नहीं दिखती हैं या आपको नहीं है बिलीव कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो यू कैन कम विद मी एट नाइट, और 2 बजे से 3 बजे के बीच में मैं आपको जाकर ये चीज़ें दिखा सकता हूँ जो कि आपके सामने लाइव ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आएंगी जो कि हमें क्लियरली नज़र नहीं आएंगी, बट वी हैव टू फील लाइक दैट कि वहाँ हमारे इर्द गिर्द कोई मौजूद है, एंड दिस इज़ द रियल थिंग। सो इफ़ एनीवन इज़ गेटिंग रेडी टू गो विद मी ऑन दैट प्लेस, दैट पर्टिकुलर प्लेस, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एंड आई विल श्योर यू दैट समथिंग इज ओवर देयर हु कैन डिस्टर्बिंग अस एंड गिविंग अस अ वॉइस लाइक वी नेवर हर्ड बिफोर। सो इट्स अ ट्रू स्टोरी, and thank you so much Bride. I really love the people who sharing their live experiences like ghost or any other incidents with us here tonight on my show. And welcome once again everyone. हमने जो है एक स्टोरी ऑलरेडी पढ़ ली थी, Bride ने हमें ऑलरेडी एक स्टोरी दी जिसको हमने आपके साथ शेयर किया, और मैं दुआ करता हूँ, हाँ Bride, आपको वॉइस मैं दुआ करता हूँ प्राइड के लिए कि जो भी उनकी चीज़ उनके पीछे है वो उनका पीछे छोड़ दे और इज़ नॉट फील रियली स्केरी एनी मोर, और नमाज पढ़ा करें और कुरान पढ़ा करें, खोल के तिलावत किया करें, यू विल डेफिनेटली गेट रेड आउट ऑफ दैट थिंग। एंड प्राइड हमसे कह रहे हैं मुझे इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मिल सकती है और जो मैं आप सबको आपको लिख के दिया, जी बिल्कुल मिल सकती है। यू कैन ज्वाइन माई पेज ऑफ यूट्यूब, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आप लिखेंगे ऊपर एड्रेस बार में, तो यू कैन सर्च आउट माय पेज, फाइंड आउट माय पेज, एंड वहाँ पर कल ये शो अपलोड हो जाएगा, तो यू विल डेफिनेटली हियर योर स्टोरी। एंड अपनी मामा को भी मेरा सलाम कहें और उनको भी आप स्टोरी सुना सकते हैं अगर आप चाहें, बिकॉज वो भी आपके साथ थी। और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, और आप सब लोग भी एहतियात से बैठें, और टेंशन ने हमें ज्वाइन किया, टेंशन कह रही है आरजे देखें पीछे स्केलेटन है, तो स्केलेटन तो बेचारे इंसानों के ही होते हैं, वो थोड़ी कुछ करते हैं, रियल जो होते हैं वो तो आत्माएं होती हैं जो फायर्ड की होती हैं और आग से बनी हुई होती हैं, हम तो मिट्टी के बने। तो जनाब चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ, हमारे साथ रहिए, इन्जॉय कीजिए इस अपकमिंग स्टोरी को जो सेकेंड पार्ट है हमारे शो का, और आधा घंटा हमें शो करते हुए गुजर गया है, आधा घंटा मज़ीद बाकी है।
लेट्स हेयर द स्टोरी देन। चेयरमैन ने ज्वाइन किया, चेयरमैन को वेलकम करते हैं एंड हॉरर नाइट विद आरजे बुटिक्स ऑन ऑल फ्रॉम मस्ती। आई होप यू एंजॉय द स्टोरीज एज वेल एंड थैंक्स टू प्राइड वंस अगेन फॉर शेयरिंग हिज स्टोरी एज वेल। गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड एंड लेट्स हैव अ लुक। काफी साल पहले की बात है जब मैं फिफ्थ क्लास में था तो हमने देखा कुछ बच्चे जोर से हंस रहे थे कुछ देखकर और फिर वो जल्दी से भाग गए। हमने पीछे मुड़कर देखा कि वो लोग किस पर हंस रहे थे। वो लोग उस औरत पर हंस रहे थे जो हमारे पीछे खड़ी थी। हमें समझ नहीं आया क्योंकि क्यों ये लोग उस औरत पर हंस रहे थे, क्योंकि उस औरत को हम लोग रोज देखते थे। हमने कभी उससे बात नहीं की थी। जब हमने पास जाकर देखा तो पता चला वो क्यों ऐसे भाग गए थे। ये एक आदमी था जो औरत के कपड़े पहने हुए था, ऊंची हील्स, स्कर्ट और शर्ट। कुछ बच्चे उस पर पत्थर और चीजें फेंकने लग गए। उसने कुछ नहीं किया और बस खड़ा मुस्कुराता रहा। थोड़े दिनों बाद मैं न्यूज देख रहा था टीवी पर, तो उसी आदमी की तस्वीर आई कि ये वांटेड है पुलिस में। मेरी दोस्त जो मेरे घर के कोने पर रहती है, एक दिन अपने लेटर्स ले रही थी तो उसने उसी आदमी को वहां देखा। उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया और उछलकर उसके पास जाने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे याद हो, ये वही बच्ची थी जिसने उस पर उस दिन पत्थर मारा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वो तेजी से भागने लगा दरवाजे की तरफ अपनी हील्स में। वो दरवाजा पीटने लगा और मेरी दोस्त ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आकर उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया। उस दिन हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, मगर शुक्र है, जहां तक मुझे पता है, किसी बच्चे के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस ने उसको आकर फौरन ही पकड़ लिया था। वेलकम करते हैं एक बार फिर से उन सब लोगों को जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारी स्टोरी को जो है वो लाइव सुन रहे हैं। और ये इंसिडेंट जो था वो किसी स्ट्रेंजर का था, नॉट नेसेसरी कि हर स्टोरी में जो है वो भूत या चुड़ैल ही मौजूद हो या कोई भूत आत्मा मौजूद हो। यहाँ पर वो आदमी एक स्ट्रेंजर था और वो उस बच्ची को उसने पत्थर मारते हुए देख लिया था और उसने मौके पर ही पुलिस को फ़ोन किया तो आकर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। यानी समटाइम्स हम समझ लेते हैं कि लोग शायद भूत हो या कोई प्रेत हो, लेकिन पुरानी कहानियों में जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो स्ट्रेंजर्स होते थे और हमारे पीछे हमें फॉलो करते हुए आ रहे होते थे और हम उनको ऐसी नज़रों से देखते थे कि वो हमारे लिए किसी भूत से कम नहीं होते थे। एनीवेज मैं चलता हूँ एक और स्टोरी की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम एवरीवन वंस अगेन जो लोग मुझे रेडियो पर इस वक्त सुन रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डर नहीं लग रहा होगा।
स्प्रिंग ब्रेक के लिए मैं वहां गया जहां स्टूडेंट्स नहीं जाते थे। मैं स्नोबोर्डिंग यानी स्कीइंग वगैरह करने कोलोराडो गया। मेरे दोस्त केविन का वहां घर है, तो हम लोगों ने साथ फ्लाइट ली और उबर लेकर उसके घर पहुंच गए। वहां पर पहाड़ी के ऊपर नीचे बहुत ड्राइविंग करना पड़ती थी। केविन की फैमिली काफी अमीर है, तो उनके पास बहुत से शहर में घर मौजूद हैं जो उनके अपने हैं। हम लोग बड़े से घर पर रुके। बर्फ की वजह से सब कुछ ढका हुआ था, तो सिर्फ उसका घर नजर आ रहा था। हमने सोचा आज कुछ नहीं करते क्योंकि रात हो चुकी है और हमारे पास पूरे 2 दिन थे स्नोबोर्डिंग वगैरह करने के लिए। केविन ने घर की चीजें खोली क्योंकि काफी महीने हो गए थे जब वो वहां आया था और आज हम दोबारा वहां मौजूद थे। केविन ने फ्रोजन पिज्जा गर्म किए और हमने वो खाने में खाए। उस रात को हम लोग गप्पे मारते रहे और वीडियो गेम्स खेलते रहे। इस घर का बहुत खूबसूरत मेन फ्लोर था जो कि ग्राउंड फ्लोर से बाहर मिलता था। केविन कोई ब्लाइंड्स बंद नहीं रखता था, ब्लाइंड्स यानी पर्दे, क्योंकि उसने बताया सबसे करीबी पड़ोसी तकरीबन 1 माइल की दूरी पर है। यहां वाकई कोई और नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक आवाज आई जैसे खिड़की पर कोई चीज आकर लगी हो। हम दोनों ने आवाज की तरफ देखा जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। हमने अपना गेम रोका और देखने गए जहां से आवाज आई थी। जाहिर है कुछ नजर नहीं आया क्योंकि रात थी और बर्फबारी हो रही थी। जो चीज हमने जरूर देखी थी वो था हाथ का निशान जो खिड़की पर छपा हुआ था। हम दोनों ये देखकर काफी डर गए थे। केविन चाह रहा था हम दोनों बाहर जाएं गन लेकर जो उसके अब्बू ने बिस्तर के नीचे रखी हुई थी। मैंने उसे कहा यह बेकार का आइडिया है, मगर इस वक्त वो गुस्से में ज्यादा था और डरा हुआ कम था कि कोई क्यों उसके घर की तरफ आया था और वो हाथ का निशान उसने खिड़की पर मारा था। तो उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं उसके साथ जाऊं। हमने अपने कोट्स और बूट्स पहने और हम निकल गए बर्फबारी में। मैं उसके पीछे था क्योंकि लालटेन उसके पास थी। हाँ, उसकी लालटेन थी, हमारे पास टॉर्च मौजूद नहीं थी। हम लोग उसके घर के साइट पर गए। मैं काफी बार स्लिप हुआ बर्फ की वजह से। उसने घर की साइट की लाइट ऑन की जहां हमने वो आवाज सुनी थी और वो हाथ का निशान देखा था। हमने देखा कि पैरों के निशान आ रहे थे और जा रहे थे वापस उसी तरफ से। हमने उनका पीछा करना शुरू किया और वो एक छोटे से जंगल की तरफ जा रहे थे, तो हम चलते रहे। मैंने केविन से कहा कि काफी है, वापस चलते हैं, मगर उसने इस बात में कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं भी खामोश हो गया। वो पैर के निशान जंगल से एक खुली जगह की तरफ जा रहे थे। केविन ने मुझे रोका और कहा, वो क्या है, बिल्कुल पास में। एक जैसी चीजें थीं जिनका फासला बिल्कुल बराबर था।
वो चार थे और आदमियों की तरह सीधे खड़े थे, यानी सीधे खड़े हुए थे। केविन थोड़ा आगे गए और झुककर पास से देखा, उसके बाद मुड़कर मुझसे कहा, यहां से चलो। मैंने वापसी में उससे पूछा कि वो क्या थे। उसने कहा उसको नहीं पता, मगर ऐसा लग रहा था कि इंसान के स्टैच्यू थे जिनको लकड़ियों यानी वुड से लटकाया हुआ था। मैं ये सुनकर हिल गया था जब उसने मुझसे ये कहा। घर पहुंचकर मुझे बहुत सुकून हुआ। इस बार उसने सब ब्लाइंड्स बंद की, यानी पर्दे उसने ढांक दिए और सब दरवाजे चेक किए। जब सुबह हुई तो सबसे पहले काम हमने ये किया कि वहां गए जहां वो चीजें देखी थी रात में। हम 10 मिनट तक चलते रहे और ढूंढते रहे, मगर हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई लाश ना कोई ऐसी चीज। वो चारों स्टैचू जो लकड़ियों की वुड पर लटक रहे थे, वो चारों लाशें अगर हम कह सकते हैं, तो हमें वो वहां नजर नहीं आई। मगर हमने चार लकड़ी के खंभे ज़रूर मिले जो कि बिल्कुल बराबर साइज के थे और वो वैसे ही लग रहे थे। हमारे पास कोई वजाहत नहीं थी इसको बताने के लिए कि ये क्या था। ये अजीब सी चीज़ थी और दिल दहला देने वाली थी। हमने सोचा कि स्नोबोर्डिंग करना चाहिए भी या नहीं, मगर हम लोग गए और मज़ा भी आया। मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे वक्त मेरे दिमाग के कोने में वही चीज़ चलती रही जो हमने उस रात वो चार स्टैचूज यानी उन चार बॉडीज़ को उन लकड़ियों पर लटकते हुए देखा। और अगली सुबह हमने वही लकड़ियाँ वहाँ पर देखी, मगर वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। वेलकम करते हैं एक बार फिर से हॉरर नाइट शो विद आरजे वोटिक्स ऑन ऑल फ्रॉम mastiz.com में। अनजान लोग ने हमें ज्वाइन किया है, कैस्पर ने ज्वाइन किया है, नेमल हमारे साथ मौजूद हैं, आहाना है, कैप्टन अमेरिका हमें सुन रहे हैं, शेरनी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड प्राइड हमारे साथ हैं, आइजाबिल हमें सुन रही हैं, ईशा खान ने ज्वाइन किया है, ईशा ने ज्वाइन किया है, इनको वेलकम करते हैं। एंड बॉड हमारे साथ मौजूद हैं, ओल्ड बॉय हमारे साथ हैं, गैस जीरो हमें सुन रही हैं, इसके अलावा बॉट हमारे साथ हैं, जूनिया ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करना चाहेंगे। गैम्बलर हमारे साथ मौजूद हैं और जितने भी लोग आउटसाइड ऑफ द पोर्टल हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, उन सबको मेरा वेलकम। और ये थी हमारी कुछ स्टोरी। चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, इनको भी अभी देखा। अनाबिया भी मौजूद हैं, इनको भी मैंने वेलकम किया दोबारा से। एंड ये हमारी स्टोरी जो थी वो आई थिंक थर्ड स्टोरी थी। इसके अलावा प्राइड ने हमें अपनी स्टोरी शेयर की जो कि फोर्थ स्टोरी थी, और अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ स्टोरी की तरफ। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरीज मौजूद हैं तो यू विल सबमिट टू अस एंड हम उसको जो है वो ऑन एयर सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चलूंगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, हमारे साथ रहिए।
पिछले साल मैं मायामी गई थी कॉलेज की छुट्टी में। जाने से पहले मुझे बहुत भयानक ख्वाब आया था। मैं अपने तहखाने में वीडियो गेम्स खेल रही थी तो मुझे अलमारी से आवाज़ सुनाई दी थी। जब मैं अलमारी के पास गई और दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक आदमी खड़ा, जिसकी शक्ल मुझे धुंधली तौर पर याद थी, और वो खड़ा देख रहा था। मैं चीख मार कर उठी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आगे चलते हैं। थोड़े दिन बाद जब मैं स्प्रिंग ब्रेक पर थी, हम लोग साउथ बीच पर थे और हजारों लोग वहां मौजूद थे, बल्कि इतना रश था कि चलना मुश्किल था। मैं अपने दोस्तों के साथ थी और उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे रश वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों के इर्द गिर्द सिर्फ अजनबी चेहरे नज़र आ रहे थे। मैंने एक आदमी को देखा जो वहाँ खड़ा था। ना वो डांस कर रहा था और ना कुछ और कर रहा था, बस खड़ा हुआ था और मुझे देखे जा रहा था। मैंने 3 सेकंड तक उसको देखा और फिर दोस्तों के पास चली गई। मैंने एक दोस्त को कहा, एक आदमी मुझे घूर रहा है। जब हमने देखा जहां वो खड़ा था तो वो अब वहां नहीं था। हम 5 दोस्त अब पानी के पास चले गए, जहां म्यूजिक था और यहां रश ज्यादा था। मैंने इधर उधर देखा तो वो आदमी नजर आया। वो लोगों में खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैंने उसको कुछ सेकंड्स के लिए देखा। मैंने अपनी दोस्त ट्रिश को पकड़ा और वहाँ इशारा किया जहाँ वो आदमी खड़ा था। उसने कहा, इग्नोर करो और वापस हम डांस करते हैं। मुझे अजीब सी कैफियत हो रही थी। मैं लोगों से हटी और वापस मुड़कर वहीं देख रही थी। मुझे पता था मैं उसकी शक्ल मैंने देखी हुई थी, मगर ये याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। मैं वापस होटल में आ गई रूम में। मैं बिस्तर पर बैठकर अपना सर पकड़ा हुआ था और अपने आप को काबू में कर रही थी। फिर मुझे याद आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं उल्टी कर दूंगी। ये वही आदमी था जो मेरे ख्वाब में था, जो अलमारी में खड़ा था। मैंने दोस्त को मैसेज किया, उसका जवाब आया। उसने किसी को नहीं देखा और कहा कि इग्नोर कर दो। मैं वापस बाहर गई तो कोई नजर नहीं आया। मैं कसम खाती हूँ ये सच्चा वाकया है, और ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। मैं खुद सो रही थी तो ऐसा तो नहीं था कि थक गई हूँ या थकी हुई हूँ और ये सोच लिया, या ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ हो। मगर ये कह सकते हो, या हम कह सकते हैं, जिसको 2-3 दिन पहले ख्वाब में देखो वो हकीकत में नज़र आ गया हो। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाकया था। वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी स्टोरीज जो है वो चल रही हैं यहाँ पर, और ऑलरेडी एक फ्राइड ने हमसे स्टोरी यहाँ पर शेयर की। अहमद ने ज्वाइन किया, अहमद को वेलकम करेंगे। गैस जीरो भी हमें सुन रहे हैं, उनको भी वेलकम करना चाहूँगा। कैप्टन अमेरिका हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग मुझे नज़र आते हैं मैं उन सबको वेलकम कर देता हूँ, ताकि वो लोग भी हमारे साथ हमें सुन रहे हैं तो वो सुन सकें। अनजान लोग जो काफ़ी टाइम बाद आए उनको वेलकम करते हैं। चेयरमैन जो कि अभी अभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको वेलकम करते हैं। और गैस जीरो कह रही है, नाइस शो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। के जो स्टोरीज़ हैं और जो भी लोगों ने भी लिखी हैं और मैंने भी पढ़ी, तो वो एज इट इज़ आप सबके सामने आए, बिकॉज समटाइम्स जो वर्ड्स होते हैं वो भूतों की तरह हो जाते हैं और वो समझ में नहीं आते कि लिखा क्या है।
Anyways, switch to the next story. Stay with us. And Chairman is saying, no more text. I was listening to your stories. I'm here. Thank you so much. It's really honor to do a show with you guys. And Rip ne join kiya. RIP inko bhi welcome karenge yahan pe. And chalte hain apni next story ki taraf. Stay tuned with me. हम लोग जब छोटे थे तो कभी हमारे अम्मी अब्बू बाहर चले जाते थे वीकेंड पर, तो हमारे चाचा जिनका नाम रॉन था वो हमें देखते थे, यानी हमारी देखभाल के लिए मौजूद होते थे। चाचा के अपने बच्चे तो नहीं थे, मगर उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उनको हमें देखने में कोई मसला भी नहीं होता था और अच्छा भी लगता था। एक फ्राइडे की रात को जब मेरे अम्मी अब्बू बाहर गए हुए थे तो बर्फ का तूफान आया हुआ था, तो हम सब ने जुरासिक पार्क मूवी देखने लग गए अपने वीसीआर पर। मैं, मेरे दो भाई, मेरी बड़ी बहन और हमारे चाचा, हम सब फिल्म देख रहे थे और साथ बातें कर रहे थे। मुझे याद है कि अचानक बिजली थोड़ी देर के लिए गई और हमने फिल्म को दोबारा रिवाइंड किया इस वजह से जहां से हमने उसको देखना छोड़ा था। फिर मेरे चाचा सोने चले गए और हम लोग फिल्म देखते रहे। मेरा एक भाई बाथरूम गया और उसके बाद बाहर चला गया, पता नहीं क्यों, शायद बर्फबारी देखने। वो अंदर भागता हुआ आया और कहा, बाहर देखो ये क्या है। हम तीनों बाहर गए भागते हुए देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। हमने देखा वो क्या बता रहा था, बिल्कुल दरवाजे के पास बर्फ में किसी के पैरों के निशान थे जो खिड़की तक गए थे, उसके बाद जंगल की तरफ जा रहे थे। उसने कहा, मैंने सुना था कोई पीछे वाले दरवाजे का हैंडल घुमा रहा था। मेरी बहन, जो हम में सबसे 3 साल बड़ी थी, बहुत डर गई थी, और जबकि सब भाई चाह रहे थे कि देखें ये निशान कहाँ तक जाते हैं। मेरी बहन ने कहा वो चाचा को उठा देगी, मगर हमने कहा तुम फिल्म देखो, हम लोग बस फौरन वापस आ रहे हैं। हमने अपनी जैकेट्स और बूट्स पहने और जंगल की तरफ चल दिए। हम उन पैरों के निशान की तरफ चलते रहे और जितना जंगल के अंदर जा रहे थे उतने पैरों के निशान गहरे होते जा रहे थे। ये निशान ताज़ा थे, जैसे थोड़ी देर पहले कोई यहाँ से गया हो। आखिरकार हमने देखा वो निशान कहाँ जा रहे थे। एक लकड़ी का छोटा सा केबिन बना हुआ था जो कि झाड़ियों से छुपा हुआ था। केबिन में बिल्कुल अंधेरा था और अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वो पैरों के निशान केबिन के दरवाजे तक जा रहे थे, मगर हमारी हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की। हमने सोचा खिड़की से झांक कर देखते हैं कि अंदर क्या है। हमने देखा खिड़की से शीशा नहीं था बल्कि प्लास्टिक शीट लगी हुई थी। फिर अंदर से जोर की आवाजें आईं, जैसे कोई लकड़ी की चीज मार रहा हो, और फिर स्लाइडिंग दरवाजे की आवाज आई। हमें नजर नहीं आया था कि ये आवाज कहां से आई थी। अचानक मेरा भाई चीखा और खिड़की की तरफ इशारा किया। हमने देखा खिड़की में से एक सर झांक रहा था, मगर इतना अंधेरा था कि शक्ल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ अंधेरा सर नजर आ रहा था, यानी साए जैसा सर वहां नजर आ रहा था। फिर वो सर गायब हो गया। वहां से एक और जोर की आवाज आई और केबिन का दरवाजा खुल गया। हम सब जोर से चीखें और वापस अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। हमारा किसी ने पीछा नहीं किया था। अगले दिन हमने
अपने चाचा को ये सब बताया और उनको वहीं जंगल में लेकर गए जहाँ हमने वो केबिन देखा था। मगर वहाँ जाकर हमने हर जगह देखा मगर हमें वो केबिन नहीं मिला। हम लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं और कई बार उसी जंगल की तरफ जाते हैं मगर कभी भी वो केबिन दोबारा हमें नज़र नहीं आया। अगर उस दिन मैं अपने भाइयों के साथ ना होता तो मैं अपने आप से यही सवाल करता कि वो सब हुआ भी था या नहीं। एक घंटा कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। भूत प्रेत और इंसिडेंट्स की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते और टाइम यूं ही बीत जाता है और फिर से नेक्स्ट सैटरडे आ जाता है और हम सब दोबारा कनेक्ट होते हैं और फिर इसी हवाले से कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ आप सबके सामने दोबारा लेकर आते हैं। और ऐसे कुछ वाकयात जो लोगों के साथ हुए, जैसे प्राइड ने अपने बारे में बताया, पढ़कर मुझे वाकई खौफ आया कि वो ऐसी क्या चीज़ थी या वो लड़की कौन थी जो आज भी प्राइड का पीछा करती है। एन एनिग्मा इज सेइंग नाइस शो, थैंक यू सो मच। एंड बस कोशिश करता हूँ कि स्टोरी में कोई गलतियाँ ना निकलें और आप सबको एज इट इज़ वो समझ में आए जैसी वो दी गई है। और समटाइम्स फंड्स जो हैं मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया नहीं आ पाते तो समझ नहीं आता, बट स्टिल आई कैन डू माई बेस्ट फॉर नरेटिंग दोज स्टोरी फॉर यू गाइज। एंड आई होप एवरी वन इज़ फाइन राइट नाउ। और अगर किसी को डर लग रहा है तो वो अपनी लाइट ऑन कर सकता है। इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर इज़ गोइंग ऑन और अब मैं बस जो है वो हम अपनी स्टोरीज जो है वो यहाँ पर 5 स्टोरीज हमने पढ़ी, छठी स्टोरी जो थी वो प्राइड ने हमें दी थी, लास्ट स्टोरी पढ़ूंगा यहाँ पर और इस शो को वाइंड अप करूँगा आप सबके साथ। हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून विद अस। लास्ट स्टोरी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और शो इज़ अबाउट टू एन एंड और 2:35 AM हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने लेट शो स्टार्ट किया था। आई होप एवरीवन इज़ इन्जॉइंग द स्टोरीज एज वेल एज डर आज मुझे भी लगा आप सबके साथ। एंड एनिग्मा इज सेइंग नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच, दिस इज लास्ट वन। एंड रीना ने ज्वाइन किया, रीना को वेलकम करेंगे। साल्टेड ने ज्वाइन किया, साल्टेड को वेलकम करना चाहूँगा यहाँ पे। साल्टेड एंड प्राइड, ओके ठीक है। एहसान आपको अपनी स्टोरी जो है वो मिल जाएगी। आई होप यू गेट द एड्रेस विच आई एम गिविंग टू यू। एंड राइट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन आई एम नरेटिंग द स्टोरी। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड विल बी राइट बैक। एक बार हमारे स्कूल ट्रिप पर गया एक म्यूजियम में जो कि कनाडा के गांव में था। ये म्यूजियम बहुत पुराना था और इस पर असर है ये बात मशहूर थी, यानी उस म्यूजियम में असर था और ये बात वहां मशहूर थी और बहुत से कहानियां थी इस म्यूजियम के बारे में जो कि मशहूर थी। टूर गाइड किसी चीज के बारे में बता रहा था। टूर गाइड जो म्यूजियम में हम जब जाते हैं विजिट के लिए तो हमें बता रहा होता है कि हम वहाँ टूर करने आए हैं, कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, तो वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा था। उसी वक्त मुझे पियानो के म्यूजिक की आवाज़ आई। मैं इधर उधर देखने लगा ये आवाज़ कहाँ से आई, मगर यहाँ तो कोई पियानो ही मौजूद नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तुम्हें पियानो की म्यूजिक की आवाज़ आ रही है क्या?
तो उन्होंने कहा, नहीं तो। उसके बाद जब दोबारा वही आवाज़ आई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। सब टूर गाइड को देख रहे थे सिवाय एक औरत के। उसने मेरी तरफ देखा और इशारा किया और फिर अपने कान की तरफ इशारा किया कि आवाज़ सुनी। मैंने अपना सर हिलाकर कहा कि हाँ, मैंने आवाज़ सुनी है। उस वक्त अचानक टूर गाइड बताने लगा कि एक फौजी था जिसकी यहाँ मौत हो गई थी और वो पियानो बजाता था और बहुत से लोगों ने उसके पियानो की आवाज़ सुनी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके बारे में क्या सोचूं और क्या समझूं। इस वक्त जब हम उस कमरे से जाने लगे तो मैंने इस औरत से बात की। उसने बताया उसने भी वही आवाज़ सुनी थी जो मैंने सुनी थी, मगर उसके साथ उसके शौहर और उसके लड़के को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मुझे आज तक नहीं समझ आया आखिर मैंने ही वो आवाज़ क्यों सुनी थी, किसी और ने क्यों नहीं, जबकि हमारे ग्रुप में इतने लोग मौजूद थे। इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं। वेलकम वंस अगेन जो लोग हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमारी स्टोरीज को सुना, और ये लास्ट स्टोरी थी हमारे शो की। और वाकई ऐसा सीन जो म्यूज़ियम में उस लड़के को म्यूज़िक वाला सुनाई दिया, वंस रिलेटेड टू माय वन ऑफ फैमिली मेंबर जो बाहर ही हैं और वो कहीं किसी कैसल वगैरह या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत भारी होती हैं और उनको वहाँ पे ग्रेविटी फील होती है और कोई चीज़ ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद है या महसूस हो रही होती है, और वो सिर्फ एक वन पर्टिकुलर पर्सन को महसूस हो रही होती है, बाकी सबको नहीं। जैसे इस स्टोरी में पूरा ग्रुप जो था उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर उसे एक लड़के को पियानो की आवाज़ आ रही थी। तो ये था हमारा आज का शो और आज की स्टोरीज जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं, और रात का टाइम है और सड़कें सुनसान हैं, वीरान हैं, अपने अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें। शो इज़ अबाउट टू गोइंग टू एन एंड और बहुत शुक्रिया आप सबका, ज्वाइन करा आप सब ने मुझे और स्टोरीज को सुना, और थैंक यू सो मच फॉर प्राइड फॉर शेयरिंग द स्टोरी। एंड ये शो जो है वो कल अपलोड हो जाएगा ज़रूर और आप सबके सामने, और हम इसको जो है वो अपलोड कर देंगे, तो आप डेफिनेटली इसको सुन सकते हैं। दोबारा से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक सैटरडे को और आप सबके साथ दोबारा से स्टोरीज़ के साथ हाजिर होंगे, और आप में से जो भी जिनके पास भी ऐसी स्टोरीज़ हो हमसे शेयर कर सकता है। कैप्टन अमेरिका थैंक यू सो मच एवरी पर्सन हु अप्रिशिएटेड मी हेयर टुनाइट, एंड यू गाइज आर ऑल्सो नाइस एंड माई ब्लेसिंग्स एंड माई प्रेयर्स आर विद यू एज वेल। And Enigma is also saying nice show RJ Vortex, thank you so much. Pride is also saying thank you so much to all of you for here, for giving me your time and listening the stories for us. And aap log na ho to main bhi na hu, aur phir se hum dobara se nayi stories ke sath hazir honge. Tab tak ke liye apna bahut sara khayal rakhein, jahan rahein safe rahein aur jahan bhi jayein raat ke waqt to light jala kar jayein, warna ho sakta hai raste mein koi aisa saaya aap logon ko mil jaye, ya fridge kholein to wahan pe koi haath aapko pani ki botal apne haath se pakda raha ho. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट विद द स्केरी वन, टिल देन विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, और गैस जीराम से पूछ रहे हैं आज आपके रूम में पीछे से कौन सी आवाज़ें आ रही, कुत्ते भौंक रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, और कहा जाता है ऐसा कभी कभी कि जब कुत्ते भौंकते हैं रात में या गधे बोलते हैं तो उस वक्त हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, ये हदीस में भी है, क्योंकि उनको वो शक्लें और वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो नैमल आप भी अपना ख्याल रखें, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा से हम मिलेंगे और दोबारा से स्टोरीज़ को सुनाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।